क्लास सिक्स बायोलॉजी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू साइंस बायोलॉजी. व्हाट इज बायोलॉजी? ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो अबाउट नेचर एंड सराउंडिंग्स. दे ऑब्जर्व एवरीथिंग, कलेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, फाइंड रीजन्स फॉर देयर ऑब्जर्वेशन, वेरीफाई देम एंड रीच कंक्लूजन्स. बच्चे, आपको आप जानते ही हो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति है, वो हमेशा अपने आप को उसमें जानने की इच्छा होती है कि नेचर क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, और वो क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, नॉलेज लेता है, और उसके ऑब्जर्वेशंस करता है और कंक्लूजन पे पहुंचता है. साइंस द सिस्टमैटिक नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमंस. जो भी नॉलेज हम, जो भी जानकारी ह्यूमंस गेन करते हैं, मीन्स लेते हैं, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू. उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस. साइंस क्या है? जो भी नॉलेज ह्यूमंस लेते हैं एक्सपेरिमेंट करके, उसको क्या बोलते हैं? साइंस. द वर्ड साइंस इज डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया. अब साइंस कहाँ से आई है? साइंस कहाँ से आई है? लैटिन वर्ड है, उसका नाम क्या है? साइंटिया. साइंटिया से हमें साइंस की डिस्कवरी हुई थी. और साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज. नॉलेज मीन्स जो भी हम जानकारी लेते हैं. कोई भी पर्सन है, जो भी पर्सन है जिसमें वास्ट नॉलेज है साइंस की, मतलब बहुत अधिक नॉलेज है उसको साइंस की, और वो क्या करता है? साइंटिफिक रिसर्च करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट. अब नेक्स्ट है साइंस. साइंस के थ्री पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज, साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है? थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज फिजिक्स, सेकंड पार्ट इज केमिस्ट्री, एंड थर्ड पार्ट इज बायोलॉजी. अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? बायोलॉजी. बायोलॉजी कितने पार्ट्स हैं उसके? टू पार्ट्स, जूलॉजी एंड बॉटनी. बच्चे, जूलॉजी क्या होती है? जूलॉजी में हम क्या करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं. और बॉटनी में क्या करते हैं? हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. अब टर्म बायोलॉजी. बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी. बायो लाइफ और लोगस स्टडी मींस जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? बायोलॉजी. नेक्स्ट है हमारे पास आपका मेन पॉइंट है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजी एंड बॉटनी. टू ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, जूलॉजी एंड बॉटनी. जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. जूलॉजी क्या होती है? जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे, और बॉटनी में क्या हम करेंगे? प्लांट्स की स्टडी. प्लीज़ स्टूडेंट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी? अब हमें बायोलॉजी की क्या ज़रूरत है हमारे डेली लाइफ में? हमें इसे कहाँ यूज़ करना चाहिए? कैसे यूज़ होती है? कैसे हेल्पफुल है हमारी लाइफ में? उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी. फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड लाइफ. लाइफ को अंडरस्टैंड करने में द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब अगर हमें बायोलॉजी किसके बारे में बताती है? प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में. आपको पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. कैसे करते हैं, क्या होता है उसमें, वो हमें किससे पता चलता है? बायोलॉजी से और एनिमल्स की स्टडी. मेंटेन्स ऑफ गुड हेल्थ. स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्स अस लर्न अबाउट आवर बॉडी, इट्स पार्ट एंड फंक्शनिंग. बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के क्या पार्ट्स हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्थी रख सकते हैं, और हम कैसे अपनी बॉडी को डिसीज़ से क्योर कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज इज
इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अगर हमें बायोलॉजी हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस बैलेंस डाइट की ज़रूरत है हमारी बॉडी में। पॉपुलेशन कंट्रोल, बायोलॉजी हमें यह सिखाती है कि कैसे हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इंक्रीजिंग रेट को कंट्रोल करना है। पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, और डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। ओके okay?